कार्तिक महात्म अध्याय 10। एक दिन देवर्षि नारद जी ने श्री वेदव्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियाँ समुद्र में आकर आश्रय पाती हैं, सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार से भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्रिक, ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का नाम उत्तम नाम का पुत्र अत्यंत बलवान तथा मदिरा पीने वाला था। राजा रानी दोनों स्नेहपूर्वक रहते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी स्त्री से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ाने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया, राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ, आप मेरी पत्नी को तलाश करवा के मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री को कौन, किधर और कहाँ लेकर गया है, इस स्थिति में उसे ढूंढकर कहाँ से ला सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग करके रूप में प्राप्त करने के कारण आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हरकर ले गया है, अतः आपका कर्तव्य है आप उसे कहीं से ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी नहीं देखा, ना ही मैं जानता हूँ कैसा रंग रूप स्वभाव है, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि वह कर्कश स्वभाव की है, कठोर वचन बोलने वाली है, काले रंग की है, कुरूपा है, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा है, क्रूर स्वभाव की है, तब तुम इसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदरशील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितर नरकवासी होते हैं, वैश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर एक मास तक उसके रुधिर में तैरते रहते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र अस्त्र लेकर रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने आश्रम देखा, उसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में देखकर ऋषि ने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? राजा ने कहा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई स्त्री को हरकर ले गया है, उसी की खोज में आया हूँ, मगर ना तो आपने मुझे अर्घ दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया, इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे, उसकी आज्ञाकारी रहे, वहीं पति का भी धर्म है कि अपनी पत्नी का सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का निरादर होता है, वहाँ सुख शांति कभी रह ही नहीं सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पूछने लगा, भगवान, आप भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को जानते हैं, अतएव कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन ले गया है और कहाँ ले गया है?
तब ऋषि ने ध्यान धर के पूछा, कहा, राजन, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उपलावर्त वन में ले गया है। तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उपलावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा एक स्त्री बिल्व फल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसा ही रंगरूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्र विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि वलाक नाम का राक्षस मुझे अपहरण करके ले आया। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे किसी प्रकार से कष्ट दिया है, ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयत्न किया है। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, मैं राक्षस कहाँ गया है? तब ब्राह्मणी ने बताया, वह उस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हर कर क्यों लाया है? यदि उसके साथ विवाह करना चाहता है तो अत्यंत कुरूप है। तेरी खाने की इच्छा है तो बता। तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। इनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की, ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञ का आचार्य वही बनता था। इसी कारण इस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैंने उस स्त्री का हरण किया। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, अतः अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के यह वचन सुनकर राजा ने विचार किया कि वह भी परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने कारण मुझे अर्घ योग्य नहीं माना। तभी राजा को विचार मग्न देखकर राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा, आप आज्ञा दीजिए। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दो। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, अतः मैं अब कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप से निवृत्ति हो। तब राजा ने उन्हीं मुनि के पास जाकर उपाय पूछा। मुनि ने कहा, राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक और परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कैसी हो, रूपा हो, मूर्ख हो, रोगी, दरिद्र, खोटे स्वभाव वाली क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया है, अब मैं क्या करूं? मुनि ने कहा, राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते देखकर शतापात नामक नाग उसे पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहाँ से अपने घर आया। ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही लाख राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वलाख पाताल लोक को गया। वहाँ से राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। इसके बाद राजा और रानी स्नेहपूर्वक रहने लगे। नारद जी ने अंत में कहा, राजा भृतु, यह गृहस्थाश्रम महात्म्य हमने आपको विस्तार पूर्वक सुनाया है। इति कार्तिक महात्म अध्याय 10 समाप्तम्।